हेलो दोस्तों, जी आर टेक्निकल इन्फो में आपका स्वागत है। स्टेप बाय स्टेप हेल्प, वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। वोटर आईडी कार्ड के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां से आप एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप घर बैठे वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है VOTER वोटर HELP। जैसे आप वोटर हेल्प लिखते हैं फ्रेंड, आपके सामने देखने को मिलेगा वोटर हेल्पलाइन। आपको वोटर हेल्पलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं वोटर हेल्पलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे फ्रेंड, आपके सामने इस तरह का देखने को मिलेगा वोटर हेल्पलाइन भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड आप जैसे इसको ओपन करेंगे फ्रेंड, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना फ्रेंड। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा स्किप लॉगिन, आपको स्किप लॉगिन पे क्लिक करना फ्रेंड। जैसे आप स्किप लॉगिन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक थ्री डॉट है, यहाँ पे एक्सप्लोर लिखा हुआ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। तो आपको यहाँ तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन न्यू। आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे अपना आप इंटर योर नेम, यहाँ पे अपना आप फुल नेम टाइप कर देना, जिस तरह आपका आधार कार्ड में है उस तरह आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं। नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करें फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो रंजीत मंडल, माय नेम इज वोटर मित्रा। आप इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र देखने को मिलेगा रंजीत मंडल। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम शो करने लगेगा फ्रेंड। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना फ्रेंड, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे लिखा हुआ आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस नंबर वन पे क्लिक करना देना फ्रेंड। आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें फ्रेंड, आपके सामने एक नया इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना। तो आपका जो भी स्टेट, जहाँ से भी आप रहते हैं, जो भी स्टेट से आप रहते हैं, आपको वहाँ पे अपना स्टेट चूज़ कर लेना। तो चलिए अपना स्टेट चूज़ कर लेते हैं। जैसे हम बिहार से, तो बिहार चूज़ कर लेना फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2003 लिखा हुआ है, 2003 में क्लिक करेंगे फ्रेंड, आपके सामने इस तरह का इंटरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद फ्रेंड आपके यहाँ सामने देखने को मिलेगा सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट चूज़ करना है, आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बस। तो हम अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं फ्रेंड, आपको आधार कार्ड में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद वाइल यूज़ दिस ऐप आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे फ़ोटो चूज़ कर लेना, अपना अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल देना है। तो डॉक्यूमेंट डाल देते हैं फ्रेंड, आधार कार्ड हम डाल देते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड मेरा आधार कार्ड आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आधार कार्ड मेरा दिख रहा है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आना फ्रेंड, अपलोड करने के बाद वो नीचे आना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज डिक्लेरेशन, डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रेंड। आपको यहाँ से डाउनलोड अपना एज डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना फ्रेंड, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसको भर के अपलोड करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह का फॉर्म होगा फ्रेंड। आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपका एज डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह का होगा फ्रेंड। आप देख सकते हैं इस तरह का आपको डाउनलोड मिलेगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करवा के इसको फिलअप करना फ्रेंड। आपको यहाँ फिलअप करना है फ्रेंड, आपका यहाँ पे नाम, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड अपना यहाँ नाम टाइप करना, यहाँ पे अपना फादर्स नेम टाइप करना और यहाँ आर ओ जो बना हुआ लिखा हुआ यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करना फ्रेंड। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ, यहाँ पे अपना विधानसभा यहाँ पे टाइप कर देना फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे डेट और प्लेस, यहाँ पे प्लेस और डेट यहाँ पे टाइप लिख देना फ्रेंड। उसके बाद इसको यहाँ पे वही फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना फ्रेंड। उसके बाद जिस आपको जैसे प्रिंट करवा रखते हैं फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है फ्रेंड। तो चलिए फॉर्म को अपलोड कर देते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म आपको फिलअप कर देना फ्रेंड। आपको फिलअप करने के बाद इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे एज डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, प्लीज़ इंटर योर पर्सनल पार्टिकुलर्स। यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए फ्रेंड। आपको अपलोड पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चूज़ कर लेना है। चलिए चूज़ कर लेते हैं अपना फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे अपना आप नाम डाल देंगे फ्रेंड। तो चलिए डाल देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है फ्रेंड, अपना फर्स्ट नेम। यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप फ्रेंड। अगर नहीं होता तो यहाँ पे आप अपने से खुद से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं फ्रेंड। तो ऑटोमेटिक यहाँ ट्रांसलेट नहीं हुआ फ्रेंड, तो यहाँ से हम अपने से लिख लेते हैं फ्रेंड हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे अपना सेकेंड नेम डालेंगे फ्रेंड, लास्ट नेम अपना। यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालेंगे फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है फ्रेंड। नेट के वजह से फ्रेंड होता है कि ट्रांसलेट नहीं कर पाता, तो यहाँ से आप अपने खुद से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी टाइप कर देंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नीचे आ जाना। नीचे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने एक नया इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव। यहाँ पे अपना फादर का नाम पूरा टाइप कर देना अपने। यहाँ पे फुल नेम टाइप करना है फ्रेंड। यहाँ पे अपना फादर्स नेम टाइप करने में फ्रेंड आपका यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो अपने खुद से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना फैमिली का ईपिक नंबर डाउनलोड यहाँ पे टाइप करना है। अगर ईपिक नंबर है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड में एक नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड आपके सामने इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पे अपना हाउस नंबर यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड। जैसे हाउस नंबर आपका जो भी होगा वो आप डाल देंगे फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे वही हाउस नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेगा फ्रेंड। यहाँ पे अपना स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे अपना गाँव का नाम लिख देना फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कॉपी कर लेगा, यहाँ पे वही हो जाएगा जो हिंदी में आ जाएगा फ्रेंड। आपको यहाँ पे अपना विलेज का फिर नाम लिख देना फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लिखना है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस टाइप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप कर देना फ्रेंड। उसके बाद एरिया टाइप करना फ्रेंड, आपका विलेज है, टाउन है, जो भी सिटी भी है, अब जहाँ से रहते हैं अपना विलेज टाइप कर देना। अगर विलेज से तो विलेज टाइप कर देना। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना फ्रेंड। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे असेंबली चूज़ कर लेंगे फ्रेंड। आपका असेंबली जहाँ भी है, अगर आप असेंबली आपका चूज़ कर लें तो असेंबली चूज़ कर लेते हैं फ्रेंड अपना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट या नीचे देखने को मिलेगा फ्रेंड सेलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ देना है फ्रेंड। इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस करेंट पासबुक दे सकते हैं, बैंक का पासबुक दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, वाटर बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, होमलेस। तो हम अपना बैंक का पासबुक देना चाहते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड अपना अपलोड वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। तो चलिए फ्रेंड अपलोड कर देते हैं। तो अपना बैंक पासबुक देना चाहते हैं तो पासबुक लेके फ्रेंड आपको ओके पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ये अटैच हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना आप डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे फ्रेंड। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ अपना टाइप कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम टाइप करना फ्रेंड, आपको जो नेम है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपना प्लेस टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, फॉर्म 6 प्रीव्यू।
तो आप यहाँ पे अपना सब कुछ मिला लेंगे फ्रेंड, आपका सही है कि नहीं। सब कुछ मिलाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंफर्म, आपको कंफर्म में क्लिक करें फ्रेंड। जैसे कंफर्म करते हैं फ्रेंड आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली ऑन डेट 21/5/2021, योर रेफरेंस आईडी इज इतना। तो फ्रेंड आपको इसको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए अपना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फ्रेंड। आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका रेफरेंस आईडी नंबर है, आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आपको जैसे आपको चेक करना होगा कि आप मेरा वोटर आईडी कार्ड कहाँ तक प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, तो आपको चेक करने के फ्रेंड आपको रेफरेंस नंबर आपको स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उसको चेक करेंगे फ्रेंड। आपको यहाँ एक्सप्लोर में क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड चेक स्टेटस, यहाँ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, और वहीं पे वही रेफरेंस आईडी नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो चलिए अपना रेफरेंस आईडी नंबर टाइप कर देते हैं, उसका ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। नंबर टाइप करने के बाद फ्रेंड ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करें फ्रेंड आप देख सकते हैं ट्रैकिंग स्टेटस ऑन 21/5/2021 जो कि आप सबमिटेड हो गया फ्रेंड। आप देख सकते हैं नाम यहाँ पे नाम दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं सबमिट यहाँ पे। तब उसके बाद यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस है फ्रेंड, आप पूरा चारों प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका वोटर आई डी कार्ड बन जाएगा। देख अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।